देखिए फ्रेंड्स, मेरा जरवेरा का प्लांट बिल्कुल मरने की कगार पर आ चुका है, तो हमें इसको कैसे रिवाइव करें, तो आज का इसी टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके ग्रीन गार्डनिंग में। और आज के इस वीडियो में, मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले तो उसके लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कहीं इसमें जो मैं नर्सरी से लेके आया था तो ये बिल्कुल मरने की कगार पर आ चुका है, तो हम अभी इसको देखते हैं कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल तो इससे निकालेंगे इसमें जो लाल मिट्टी यूज़ की गई है नर्सरी में, तो ये बाहर से आता है तो उधर को ये लाल मिट्टी रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं और फिर आगे का इसका प्रोसेस, मिट्टी वगैरह जो भी कुछ है वो देखेंगे। इससे पहले गाइस, आपको मेरी एक छोटी सी शॉपिंग भी दिखा देता हूँ। सो ये रहे मेरे गमले जो जरवेरा के लिए मैं लेके आया था, और इनकी प्राइस भी मैं आपको बताऊँ तो गाइस, ये है हमारे कुछ सैकुलेंट प्लांट के लिए छोटे वाले गमले। तो ये मेरे को पड़ा है, दो गमले मेरे को 15 रुपये के दो गमले लगाए, बोल सके तो 7.5-7 रुपये के ये मेरे को, और ये मेरे को लगे हैं 15-15 रुपये के, 30 रुपये के हैं ये। अच्छी इनकी क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी मेरे को मस्त लगी है। और ये मेरे को पड़ा है 30 रुपये का, ये 30 रुपये का पड़ा है, और ये भी मेरे को 30 रुपये के पड़े हैं गाइस। ये मैं जरवेरा के लिए लेके आया हूँ, तो चलिए देखते हैं इसको निकालते हैं। मेरी छोटी सी शॉपिंग वीडियो कैसा लगा मुझे वीडियो में ज़रूर बताना। अब इसको हम निकालते हैं गाइस, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस ज़रूर लगेगा और काफ़ी केयरफुली निकाले आप इसको। तो मैंने एक हाथ से तो इसको मोबाइल पकड़ रखा है और देखते हैं अगर ये निकल रहा तो इस तरीके से हम हाथों का इसलिए तो ये निकल चुका है गाइस। ये नर्सरी की लाल मिट्टी होती है गाइस, और काफ़ी ज़्यादा सौगी भी रहती है, और एक हार्ड मिट्टी भी आती है तो वो तो अच्छी नहीं रहती। हमें सबसे पहले इसकी मिट्टी, आप देखिए एक इसमें कीड़ा भी रेंग रहा है, ये तो इसी वजह से ये हमारा प्लांट गगार पर आ चुका है, मरने के गगार पर। और गाइस ये दाने देख पा रही है, ये नर्सरी के फर्टिलाइज़र है ये, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसकी मिट्टी सारी निकाल लेना है हमें कुछ इस तरीके से। आपको मिट्टी इसकी सारी निकाल लेना है क्योंकि हम इसमें न्यू मिट्टी डालेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें इसकी सारी मिट्टी को निकाल लेना है। अब एक प्रोसेस और आगे का हम देखते हैं गाइस। एक डब्बे में आपको पानी लेना है, पानी लेने के बाद आपको क्या करना है, ये फंगीसाइड है, फंगीसाइड को आप इसमें डाल देना है। तो ये मैंने फंगीसाइड को डाल दिया है, अब हम इसको घोलेंगे किसी टूल्स की सहायता से। तो ये फंगीसाइड पानी घोल दिया है, अब हम इस प्लांट को इसमें डुबोएंगे। ये इस जरवेरा का प्लांट है, अब हम इससे 10 से 15 मिनट तक इसको इसमें भीगने देंगे फंगीसाइड पानी में। तो ये हमने इसको 10-15 मिनट और अच्छे से एक दो पानी में इसको धोने के बाद इसका जो भी फंगस होगा तो वो निकल गया होगा। गाइस आपको क्लियर नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और गाइस जो एक्स्ट्रा सूखे पत्ते थे ना वो मैंने इसको निकाल दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सूखने देते हैं और फिर इसको, तब तक के लिए हम इसकी मिट्टी का मिक्सचर देख लेते हैं, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। तो ये हमने रख दिया, इधर मिट्टी में देख लेते हैं। तो मैंने बराबर मात्रा में तो गोबर की खाद, कोकोपीट और हाँ जो रिवर सैंड और मिट्टी दोनों को मिक्स कर रखा था, मेरी पुरानी मिट्टी थी, तो ये बराबर मात्रा में है। और हमें कुछ कोयले के टुकड़े लेने हैं,
तो ये कोयले के टुकड़े हैं कुछ, और इसी में डालेंगे हम थोड़ी सी राख जो चूल्हे की राख होती है, तो ये फंगीसाइड का काम करती है। और उसमें एक छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे फंगीसाइड पाउडर, और इसके बाद में डालेंगे हम इसमें, इसी में फिर डालेंगे हम परलाइट जिसको मैंने घर पे बनाया है। आप अगर इसका वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको इसका वीडियो दे दूंगा। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको परलाइट को दबा दीजिए ताकि वो उड़ जाएगा। गाइस हमारे लोकल स्टोर पे परलाइट नहीं मिलता है, इसलिए मैंने घर पे बनाया। अगर आपको चाहिए इसकी वीडियो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको ज़रूर से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप बोलोगे तब बनाऊंगा, इससे पहले मैं नहीं बनाऊंगा। आपको इन तीन चार चीज़ों को सभी को अच्छे से मिक्स करना है। गाइस हमारे ये जरबेरा प्लांट का मिक्सर है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये वेल्ड्रन सॉइल बनेगी, तो हमें ये ज़रूर से ध्यान रखना है, ठीक है। आप कैसा सॉइल मिक्सर बनाते हो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस इसको वेल्ड्रन सॉइल पसंद है, ना कि ज़्यादा सोगी सॉइल कर देते हैं हम, ठीक है। तो आपको सोगी सॉइल नहीं करनी है इसकी, बिल्कुल वेल्ड्रन सॉइल रखनी है इसकी। तो हम मिला दे रहे हैं इसको ठीक से, देखते हैं गाइस हमारे बड़े गमले में इसकी पूर्ति हो पाती है कि नहीं, देख लेते हैं हम इसको। तो ये हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो गया, अब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम इसको गमले में मिट्टी भर लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस सबसे पहले इसकी दो ड्रेनेज होल है, हम उस पर कुछ टिकरी के टुकड़े रखेंगे ताकि इसका पानी ड्रेनेज आउट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से गाइस, मेरे मोबाइल का कैमरा थोड़ा क्लियर कम आ रहा होगा, मैं मिट्टी भर लेता हूँ फटाफट। तो हम इसको बिठा देंगे। जो प्लांट है हमारा वो बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन अभी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीचे कि हमने मिट्टी ज़्यादा भर दी है। चलिए मैं इसको बिठा देता हूँ ठीक से, फिर लेता हूँ इसकी मिट्टी को कम करके, इसमें कम कर लेंगे। और गाइस एक मेन बात आपको बताऊँगा अभी, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो गाइस मुझे मिट्टी भर लेना है सबसे पहले। तो गाइस जो आपके क्राउन पोर्शन है ना, जो जहाँ से पत्ते निकलते हैं उसको बिल्कुल ऊपर रखना है गाइस, आपको उसको मिट्टी में नहीं दबाना है। अगर आप उसको मिट्टी में दबा दोगे तो गाइस वो गल जाएगा और आपका पौधा मर जाएगा, तो आपको उसको ऊपर रखना है अगर आपको अपने प्लांट को रिवाइव करना है। तो गाइस वैसे तो इस प्लांट के चांस बहुत कम है बचने के, लेकिन फिर भी हम करेंगे इसको कोशिश बचाने की। तो ये हमारा प्लांट हो चुका है रिपोर्टिंग, और इसको भी हम रिवाइव कर लेंगे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा मेरे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।